उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है कला के सिद्धांत। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने जाना था कला के विभिन्न तत्वों के विषय में। आज हम जानेंगे कि कला के सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत अर्थात गाइडिंग रूल्स, ये सिद्धांत आपको बताते हैं कि आपने किस प्रकार कला के तत्वों को इस्तेमाल करना है ताकि आपके डिज़ाइन में एक अच्छा स्वरूप आ सके। कला के सिद्धांत क्या होते हैं? एकता यानी यूनिटी, संतुलन अर्थात बैलेंस, ताल यानी रिदम, गति मूवमेंट, स्केल एवं अनुपात। अगला है बल, जिसे इम्फेसिस भी कहा जाता है, विषमता यानी कॉन्ट्रास्ट, पैटर्न और विवरण। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटी की। यूनिटी अर्थात एकता। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी, क्योंकि हम ये कोर्स इंटीरियर डेकोरेशन का पढ़ रहे हैं, तो किसी भी डिज़ाइनर के लिए अपने डिज़ाइन में यूनिटी अचीव करना ही एकमात्र लक्ष्य होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि यूनिटी अचीव करना ही एक कला के सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं यूनिटी है क्या। यह डिज़ाइन में सभी तत्वों द्वारा निर्मित एक सामंजस्य है। दृष्टि एवं वैचारिक रूप से एक डिज़ाइन की हार्मनी को यह देती है। यदि आपके डिज़ाइन में एकता नहीं है तो आपका जो डिज़ाइन है वह अव्यवस्थित लगेगा एवं डिज़ाइन भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। यदि आप एकता को अपने डिज़ाइन में लाना चाहते हैं तो आपने यह देखना है कि कोई भी डिज़ाइन आपके किसी भी पॉइंट पे नकारात्मक रूप से अटपटा ना लगे। एकता का अभाव आपके डिज़ाइन को अव्यवस्थित तथा भ्रमित कर सकता है। आइए जानते हैं एकता को इस चित्र के माध्यम से। जैसा कि आप इस रूम को देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार इंटीरियर डेकोरेशन में एक यूनिटी को अचीव करने की कोशिश करी गई है। इसमें जो रंग इस्तेमाल करे गए हैं, बेस का जो कलर है वो न्यूट्रल कलर यूज़ करा गया है तथा नारंगी रंग के माध्यम से यूनिटी को अचीव करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें हालांकि जो न्यूट्रल रंग है वो आप कह सकते हैं कि वो एक न्यूट्रल या उदासीन रंग है तथा जो नारंगी रंग इस्तेमाल किया गया है वो वैसे तो वार्म कलर है, लेकिन नारंगी रंग के विभिन्न टिंट्स एवं शेड्स का यूज़ करके इसे एक हार्मनी देने का प्रयत्न किया गया है। अगला है संतुलन यानी बैलेंस। बैलेंस से मतलब किसी भी वस्तु के दृश्य भार से है। असंतुलन की जो स्थिति होती है वो दर्शकों में बेचैनी का आभास करा सकती है। आइए जानते हैं संतुलन किस किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। संतुलन के तीन प्रकार होते हैं, समरूपता, विषमता एवं रेडियल समरूपता। समरूपता देखेंगे तो इसमें क्या होगा, कोई भी वस्तु एक सेंट्रल पॉइंट के दोनों ओर बराबर मात्रा में होगी। यह भी कहा जा सकता है कि इसमें वो दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं। जबकि जो हमारी विषमता है, इसमें कला के किसी भी तत्व की विपरीत होने की कारण एक विषमता की स्थिति पैदा होती है, परंतु यह विषमता भी आपके डिज़ाइन को एक महत्वपूर्ण अंग है। विषमता जिसमें कला के किसी भी तत्व के विपरीत होने के कारण संरचना संतुलित सी लगती है। रेडियल समरूपता यानी रेडियल बैलेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक केंद्रीय बिंदु होता है, उसके चारों ओर हम कला के अन्य तत्वों को अरेंज करते हैं जिससे कि हमें एक बैलेंस की स्थिति प्राप्त होती है। आइए देखते हैं इसमें बैलेंस क्या है। चित्र में आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल बैलेंस दिखा रखे हैं एक कुर्सी तथा सोफों के माध्यम से। सिमेट्रिकल बैलेंस में आप देखेंगे कि एक बीच में एक चेयर है, उसके अगल बगल उसी साइज़ की दो चेयर लगी हुई हैं। जबकि एसिमेट्रिकल बैलेंस में एक लंबा सोफ़ा है तथा उसके बगल में एक छोटा सोफ़ा रखा गया है। और जो रेडियल बैलेंस है, इसमें आप एक सर्कुलर टेबल देख रहे हैं और उसके चारों ओर चेयर्स लगी हुई हैं, तो ये एक रेडियल बैलेंस को दिखा रहा है। अगर आप इस चित्र में देखें तो यही वो चित्र है। अगर दो सोफे एक टेबल के अगल बगल दो सेम साइज़ के सोफे लगे हुए हैं, यानी सिमेट्रिकल बैलेंस। अगले चित्र में आप देखिए एक बड़ा सोफ़ा, उसके बगल में एक छोटा सोफ़ा, यानी एसिमेट्रिकल बैलेंस।
और एक सेंट्रल टेबल के आसपास लगी हुई चेयर्स हमें रेडियल बैलेंस का रूप दे रही हैं। इसके अलावा इसी चित्र में आप देख सकते हैं जो ऊपर झूमर लगा हुआ है वो भी एक रेडियल बैलेंस को ही शो कर रहा है। अगला है लय। लय बार बार उपयोग किए जाने पर तत्वों के संयोजन का दृश्य है। यह भिन्नता के साथ संगठित गति की भावना देता है। लय आमतौर पर कला के कार्यों में छिपी होती है और पुनरावृत्ति और पैटर्न के डिज़ाइन सिद्धांतों की तरह स्पष्ट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में लय दिखाई दे। कितनी बार लय आपको भौतिक रूप से दिखाई देती है और कितनी बार वो कला के तत्वों में ही छिपी रहती है, जिसका एहसास आपको ध्यान से किसी वस्तु को देखने पर होता है। आइए जानते हैं लय कितने प्रकार की होती हैं। लय अल्टरनेटिंग लय यानी अल्टरनेटिव रिदम, इसमें आप देख रहे हैं कि जो लाल या नारंगी रंग की आवृत्ति कुछ समय के बाद हो रही है, इसमें अल्टरनेटिंग रिदम हमें दिख रहा है। अगला है फ्लोइंग रिदम। फ्लोइंग रिदम का मतलब है कोई भी वस्तु फ्लो में बहती चली जाती है, तब हमें इस प्रकार का रिदम देखने को मिलता है। इसका उदाहरण हमें सामान्यतः नेचुरल चीज़ों में दिखता है, जैसे बहता हुआ पानी, उड़ते हुए पत्ते फ्लोइंग रिदम का एक उदाहरण है। अगला है रेगुलर रिदम। इसमें जो पैटर्न होता है रेगुलरली हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बाद रिपीट होता है। रेगुलर रिदम, इस रिदम में हमें कोई भी वस्तु पर्टिकुलरली समय के बाद रिपीट होती है और यह एक व्यवस्थित सा रिदम है। इसके बाद आता है प्रोग्रेसिव रिदम। इस प्रकार के रिदम में किसी भी कला के तत्व की बार बार पुनरावृत्ति होती है, परंतु यह किसी बढ़ते या घटते हुए क्रम में हो सकती है। अगला है रैंडम रिदम। रैंडम रिदम का उदाहरण आप समझ सकते हैं किसी भी गिरती हुई बर्फ से, या फिर बीच में जो रेत है जब वो पानी के बहाव के साथ बहती है, तो यह एक रैंडम रिदम का उदाहरण है। आइए जानते हैं इंटीरियर डेकोरेशन में रिदम क्या है। यदि आप किसी भी घर को डिज़ाइन करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप रिदम किस प्रकार ला सकते हैं अपने घर में। सबसे पहले है, अगर आप देखें तो आपको जो पहली हमारी कैटेगरी है इसमें जो रिपीटेटिव रिदम है वो आप लाएंगे। उसमें आप क्या करेंगे कि जो समान आकार की जो खिड़कियों की जो शेप हैं वो लगा के आप एक रेगुलर रिदम को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है अल्टरनेटिव रिदम। इसमें जो आपको झूमर या बल्ब लगे हुए दिख रहे हैं, एक छोटा, एक बड़ा, फिर एक बड़ा, इस क्रम में दिखाई दे रहे हैं। फिर है हमारा प्रोग्रेसिव रिदम। इसमें आपको जो गोले हैं वो घटते हुए क्रम में नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार आप प्रोग्रेसिव रिदम को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में आप किसी भी कला के तत्व को विपरीत ले सकते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक हमारा स्क्वायर है और अगला सर्कल है। यही कंट्रास्ट रंगों में भी हो सकता है और टेक्सचर में भी हो सकता है, तथा लाइंस में भी आप देख सकते हैं। गति, गति और जो लय है वो साथ साथ चलते हैं। ये भी कह सकते हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर लय होगी वहीं पे हमें मूवमेंट भी दिखेगा। किसी रचना में दर्शकों की नज़र जिस पथ पर चलती है वही गति होती है। बार बार किसी तत्व की विविधता का उपयोग करते समय लय के साथ साथ गति को बनाया जा सकता है। हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो घुमावदार रेखाएँ होती हैं उनमें गति अधिक दिखती है किसी भी सीधी रेखाओं की तुलना में। रंग, अगर यदि आप अपने डिज़ाइन में रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रंग का कार्य गति की भावना को और तीव्र कर सकता है। गति दिखाने का तरीका यह है कि एक ऐसी छवि का उपयोग करना जिसमें गति शामिल हो, जैसे डांस करती हुई कोई पेंटिंग या हवा में उड़ते हुए बाल। स्केल एवं अनुपात, जब हम स्केल की बात करते हैं तो ये किसी भी वस्तु के साइज है, और जब हम अनुपात की बात करते हैं तो जो दो वस्तुएँ हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है अनुपात वह दिखाता है। कितनी बार जो इंटीरियर डेकोरेटर होता है वो स्केल और अनुपात के हिसाब से, कभी कभी वो 1:1 का रेशियो फॉलो करता है और कभी कभी वो 1:3 का रेशियो फॉलो करता है। ये उसकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, या इस पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की जगह को डेकोरेट कर रहा है। अगर हम स्केल की बात करें तो स्केल एक स्थान के भीतर वस्तुओं का आकार से संबंधित है। दूसरी ओर अनुपात एक वस्तु का आकार दूसरी वस्तु के आकार को दर्शाता है। अनुपात एकता की भावना पैदा करता है। जब रचना में सभी तत्व एक दूसरे के साथ अच्छे प्रकार से प्रपोर्शन में होंगे तो अपने आप ही हमें यूनिटी दिखाई देगी। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, अनुपात में एक सर्कल बहुत बड़ा है और उसी के अनुपात में दूसरा सर्कल बहुत छोटा है।
जबकि दूसरे चित्र में आपको एक घर जैसा स्ट्रक्चर और एक पेड़ दिख रहा है। हालांकि इन दोनों का साइज बराबर नहीं है, लेकिन इसको इस प्रकार से अनुपात में इस्तेमाल कर रखा है कि यह एक आपको एक बैलेंस की फीलिंग तथा यूनिटी की फीलिंग देता है। कला में तत्वों के यथार्थवादी दिखाने के लिए स्केल एवं अनुपात का इस्तेमाल किया जाता है। अनुपात आवश्यक रूप से एक तत्व के आकार के नहीं बल्कि दो या दो से अधिक तत्वों के संबंध को संदर्भित करता है। इसलिए जब भी आप डिज़ाइन में स्केल और अनुपात का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने यह देखना है कि कौन सा अनुपात आपने यूज़ करना है और किस प्रकार का साइज़ आपने लेना है। यदि हम इसे इंटीरियर डेकोरेशन में एक घर के पर्सपेक्टिव में देखें तो आप देखें, यदि आपका कमरा छोटा है तो आपने देखना है कि जो उसमें आप डेकोरेटिव आइटम्स लगा रहे हैं वो भी थोड़े छोटे ही होने चाहिए। अगर आप छोटे कमरे में बड़े डेकोरेटिव आइटम्स लगा देंगे तो आपका कमरा एकदम से भरा हुआ लगेगा और फ्री स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और आपको ये भी चाहिए कि आप थोड़ा स्पेस, सफ़ेद स्पेस छोड़ें, वाइट स्पेस होना ज़रूरी है ताकि आपकी आँखों को एक स्थिरता दिख सके। आँखों में स्थिरता लाना भी बहुत आवश्यक है जब आप इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं। तो अगला है, यदि आपका घर बहुत बड़ा है या घर की छत बहुत ऊंची है तो आपने ये ध्यान देना है कि आप किसी भी प्रकार की ऐसी फर्निशिंग आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं जो बहुत बड़े हों। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी सी दीवार घड़ी लगाई गई है, इससे जो आपकी दीवार है उसकी ऊंचाई को कवर कर सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अन्य आप फर्निशिंग आइटम्स रख सकते हैं दीवार के सहारे जो साइज़ में काफ़ी बड़ा हो। अगला है एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या है? एम्फेसिस जैसा सिम बल या जोर भी कहते हैं। एम्फेसिस से मतलब ये है कि एक फोकल पॉइंट बनाना। इंटीरियर डेकोरेटर हमेशा डिज़ाइन करते टाइम एक ऐसी चीज़ रखता है जिसमें कोई भी जब दर्शक उस कमरे को देखे या उस आकृति को देखे तो उसकी नज़र एक चीज़ पे जाके रुक जाती है, अर्थात एक पर्टिकुलर वस्तु पूरे कमरे में आपका ध्यान आकर्षित करती है। इसका उद्देश्य डिज़ाइन के किसी एक भाग को उसके अन्य भागों से अलग बनाना है। डिज़ाइन के विशिष्ट भाग को हाईलाइट करने के लिए विभिन्न तत्वों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे विभिन्न प्रकार की रेखाएं, रंग या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव स्पेस भी क्रिएट करके बल को दिखाया जा सकता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, पूरा जो डिज़ाइन है हमारा एक रेगुलर पैटर्न आपको दिख रहा है। सभी में जो अलग अलग शेप्स हैं वो काले रंग के हैं, लेकिन जहाँ पे लाल रंग का हमने प्रयोग कर रखा है हमारी नज़र सबसे पहले उस लाल रंग पे जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाल रंग हमने इसमें डाला है वो एम्फेसिस का एक पॉइंट है, वो आपकी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सबसे पहले आपकी नज़र उस लाल रंग पे जाएगी, उसके बाद ही आप दूसरे पैटर्न की ओर आपका ध्यान जा पाएगा। कई लोग इसे प्रभाव का नाम देते हैं बल को, और कई बार इसे लोग वस्तु का प्रभाव समझते हैं, और कई बार इसे आकार, वजन, स्थिति, रंग और शैली द्वारा भी बनाया जा सकता है। कभी कभी इसे प्रभुत्व के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। आइए जानते हैं एम्फेसिस किस प्रकार आप घर में ला सकते हैं। एम्फेसिस लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं अपने घर में, या तो आप एक बड़ी सी पेंटिंग लगा सकते हैं किसी एक घर के कोने पे। जैसे ही कोई आपके घर में एंटर करे तो आपको सीधे रूप से वह एक पेंटिंग दिखाई देगी, या फिर कोई आप फायरप्लेस टाइप का क्रिएट कर सकते हैं एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, या फिर घर के ऊपर एक बड़ा सा आप अंदर झूमर लगा सकते हैं जो कि फोकल पॉइंट बन सकता है। इसके अलावा एक दीवार पे, एक प्लेन वॉल पे एक बड़ी सी खिड़की भी एम्फेसिस को ही बल देगी। जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है कि जो पेंटिंग लगी हुई हैं, ये पेंटिंग अचानक से सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। कमरे पे आप जैसे ही जाएंगे सबसे पहले आपको जो बड़ी सी पेंटिंग है ये दिखाई देगी, चाहे वो पेंटिंग इस लड़की की पेंटिंग हो या फिर जो फायर की पेंटिंग हो वो हो, दोनों ही एक एम्फेसिस के लिए एक फोकल पॉइंट है। अब जानते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट रंग, आकार या तत्वों के समान गुणों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और उनके बीच अंतर को भी संदर्भित करता है। रंग का कॉन्ट्रास्ट अक्सर पहली चीज़ है जिसके बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन कला के जो अन्य तत्व हैं उनके द्वारा भी आप कॉन्ट्रास्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तत्वों का कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि दो तत्व अलग अलग होते हैं, परंतु उन कॉन्ट्रास्ट दो भिन्न भिन्न तत्व ही हमारे डिज़ाइन में इस प्रकार की यूनिटी क्रिएट करते हैं कि वो डिज़ाइन हमें देखने पर आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगता है। एक सुलभ डिज़ाइन बनाने के लिए तत्वों को विशेष रूप से पाठ और इसकी पृष्ठभूमि के बीच का जो कंट्रास्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है।
रंग, बनावट, आकार और विभिन्न प्रकार के शेप्स का यूज़ करके कंट्रास्ट को लागू करा जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंट्रास्ट किस प्रकार से शेप के थ्रू अटेंड किया जा सकता है। एक शेप है आपका सर्कुलर और एक है स्टार शेप, दोनों में कलर एक जैसा है लेकिन जो ये दोनों के शेप्स हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं, तो इस प्रकार आप कंट्रास्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अगली इमेज में आप देख रहे हैं कि शेप तो सारे सेम है, सारे सर्कल्स हैं, लेकिन हमने विभिन्न प्रकार के रंग इस्तेमाल कर रखे हैं जिसके द्वारा डिज़ाइनर इस कंट्रास्ट को प्राप्त कर सकता है। अगले है डिज़ाइन, हम स्केल और प्रोपोर्शन के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो चौड़ी है एज कम्पेयर टू सबसे नीचे वाली लाइन, परंतु ये देखने में एक समरूपता ही लग रही है। इस प्रकार स्केल के माध्यम से भी आप कंट्रास्ट को अचीव कर सकते हैं। अगला है लेआउट के थ्रू आप कैसे प्राप्त करेंगे कंट्रास्ट को। जो हमारा पहला लेआउट है ऊपर की ओर, वह एक सुव्यवस्थित लेआउट है, जबकि जो नीचे वाला लेआउट है वो सुव्यवस्थित नहीं है परंतु एक कंट्रास्ट की फीलिंग वो देता है। इस प्रकार आप लेआउट का इस्तेमाल करके भी कंट्रास्ट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस का यूज़ करके, आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में काला है और सामने नीला है, जबकि अगले डिज़ाइन में बैकग्राउंड हमारा ब्लू कलर का है और जो फोरग्राउंड है वो येलो कलर का है। तो इस प्रकार से जो ये स्पेस है, नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस को कंबाइन करके भी हम कंट्रास्ट अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न हमारे चारों ओर है, अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे पेड़ों में पैटर्न है, पेड़ों की एक पंक्ति दिखेगी उसमें पैटर्न है, पेड़ों की छाल में एक पैटर्न है, जो कपड़े आप पहन रहे हैं उसमें एक पैटर्न है, तो पैटर्न सब जगह है। लेकिन कभी कभी पैटर्न हमें आसानी से दिख जाते हैं जो बड़े होते हैं, और कभी कभी कुछ जो पैटर्न होते हैं वो हमें नहीं दिख पाते हैं क्योंकि वो अधिक स्पष्ट नहीं होते हैं। पैटर्न एक से अधिक डिज़ाइन तत्वों की पुनरावृत्ति है, जबकि पुनरावृत्ति एक ही तत्व को दोहराए जाने पर केंद्रित है। पैटर्न एक डिज़ाइन, जैसे अगर आप देखेंगे वॉलपेपर की जो बैकग्राउंड होता है वो भी एक पैटर्न है। आप देखेंगे कि वॉलपेपर में पर्टिकुलर पैटर्न को दोहराया जाता है, उसे ही हम पैटर्न कहते हैं। समकालीन कला में पैटर्न के एक पेंटिंग, ड्राइंग या मिश्रित मीडिया के माध्यम से अचीव किया जा सकता है। आजकल जो फैशन है, कह सकते हैं कि कम का फैशन है। इसका मतलब ये है कि आपने कम पैटर्न यूज़ करना है और उसी से यूनिटी अचीव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पैटर्न इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिज़ाइन सुव्यवस्थित नहीं लगेगा। पैटर्न का इस्तेमाल करते टाइम आपने यह ध्यान देना है कि कोई भी पैटर्न अलग से आप अपने डिज़ाइन में फिट ना करें, जो ऑलरेडी आपके डिज़ाइन में पैटर्न हो उन्हीं की पुनरावृत्ति करके एक अलग से पैटर्न बनाने की कोशिश करें। पैटर्न का इस्तेमाल करते टाइम ध्यान रखना है कि कृत्रिम पैटर्न का इस्तेमाल आप ना करें। जैसे कि आप एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, इस चित्र में आप देखेंगे डिज़ाइनर ने जो पैटर्न का इस्तेमाल किया है तो सारे जितने शेप हैं उनमें ज्योमेट्रिकल शेप को ही रखा हुआ है, कोई भी शेप अलग नहीं है, चाहे वो वॉल हैंगिंग में लगा हुआ सर्कुलर शेप हो या फिर रग में इस्तेमाल किया गया हुआ स्क्वायर शेप हो। तो यहाँ पे डिज़ाइनर ने शेप के माध्यम से पैटर्न को अचीव करने की कोशिश करी गई है। अगली डिज़ाइन में आप देख सकते हैं जो पैटर्न है उसमें भी यही ध्यान रखा गया है कि एक ही प्रकार के पैटर्न की पुनरावृत्ति हो और यूनिटी अचीव करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे बेसिकली हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है और पैटर्न में भी समानता लाने का ही प्रयत्न किया गया है। अगला है डिटेल। अभी तक के जो आपने कला के सिद्धांत देखे, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो मैक्रो सिद्धांत होते हैं, उन्हें अचीव करना आसान है और वो आसानी से देखे जा सकते हैं, जबकि जो विवरण है ये एक माइक्रो तत्व है, इसे यह आसानी से नहीं दिखता है और इसे अचीव करना भी और सिद्धांतों को अचीव करने की तुलना में थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल कम चीज़ों का इस्तेमाल करके ही यूनिटी अचीव करना ही उद्देश्य है, इसलिए आजकल मिनिमलिस्ट डिज़ाइन का आजकल फैशन है, इसलिए आपने कम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन में यूनिटी लाने का प्रयत्न करना है। विवरण एक कमरे के संगठन का अंतिम हिस्सा है। जब भी आप किसी भी कमरे को डिज़ाइन करें तो जो विवरण है वो अंत में आता है। जब आप सारे तत्वों को एकत्रित कर लेते हैं उसके बाद बहुत ही माइन्यूटली आपने देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रह गई है। जब आप उस चीज़ को सही कर लेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीट लगेगा। डिटेल के अभाव में आपका डिज़ाइन कम्प्लीट नहीं लग सकता है, तथा डिटेल जो है आपके डिज़ाइन को एकता से जोड़ने का प्रयत्न भी करता है। यदि आप अपने डिज़ाइन में डिटेल को नज़रअंदाज करते हैं तो आपका डिज़ाइन संभवतः अधूरा दिखाई देगा।
आइए आप जानते हैं कि हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं डिटेल को। वैसे तो डिटेल्स को प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, परंतु यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहती हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइन में आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे जब आपने पूरा अपना कमरा डिज़ाइन कर लिया है, तो उसके बाद आप देखेंगे फर्श पे जो रग है उसकी डिज़ाइनिंग और उसकी डेकोरेशन किस प्रकार की है, प्रकाश की व्यवस्थाओं के प्रकार क्या क्या हैं, क्या वो प्रकार आपके इंटीरियर डेकोरेशन के बाकी तत्वों के साथ मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, स्विच या जो फ्लैश के आउटलेट हैं वो किस प्रकार हैं, वो भी कवर होने चाहिए। अगर वो फिनिश्ड और कवर नहीं है तो वो आपके डिज़ाइन को एक अधूरा लुक देंगे। फर्नीचर की डिटेलिंग आपने देखनी है, कुशन देखने हैं, कुशन की पाइपिंग्स देखनी है, और जो फर्नीचर आपका है उसके पाए किस प्रकार के हैं, उस पर डिज़ाइनिंग किस प्रकार की है, ये सब चीज़ें आपने ध्यान देने योग्य हैं। वॉल का ट्रीटमेंट देखना है और उस पर किस प्रकार की डिज़ाइनिंग की गई है उस पर ध्यान देना है। पिलो कवर्स, इस पर ध्यान देखना है। आसपास किस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाने हैं वो देखने हैं, लगाए जाने भी हैं या नहीं लगाए जाने हैं। खिड़कियाँ, उनका प्रकार, उन पर लगी हुई लकड़ी आदि, यह सब डिटेल के अंतर्गत आता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जो हमारा ऊपर वाली आकृति है इसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें जो इस पर बेड स्प्रेड बिछाया गया है बेड के ऊपर, उसमें आपको हल्की सी सिलवटें दिखेंगी। तो इस प्रकार ये डिटेल वाले सिद्धांत का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, और जो इसमें स्विच के आउटलेट्स हैं वो भी अनफिनिश्ड हैं। तो इसलिए आपको देखना है, जब भी आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करें तो बहुत जो छोटी चीज़ें हैं उनमें अंत में ध्यान दें और अपने डिज़ाइन को एक संपूर्ण लुक दें। आइए, हम अभी तक हमने सारे सिद्धांतों के विषय में डिटेल में जान लिया है। अब मैं आपको इस चित्र के माध्यम से एक बार बताना चाहूँगी कि सारे सिद्धांत क्या होते हैं। आपको इस डिज़ाइन में एक लड़की दिखाई दे रही है, इस एक सीनरी में, इसमें आप देख सकते हैं बैलेंस। बैलेंस जो पीछे का इसमें डिज़ाइन है वो उसका जो कलर है वो बाकी रंगों से बैलेंस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा चल रही है, हवा के चलने से पत्तों में मूवमेंट है, और जो उसका दुपट्टा इसमें उड़ रहा है वो रिदम को दिखा रहा है। दुपट्टे में जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो पैटर्न का एग्जाम्पल है। अगर हम इम्फेसिस की बात करें तो इस लड़की के जो शर्ट में जो पॉकेट्स हैं वो इम्फेसिस का पॉइंट है, और कंट्रास्ट की बात करें तो इसके जो बालों का रंग काला और जो बैकग्राउंड का कलर है न्यूट्रल कलर, उसके साथ यह कंट्रास्ट में है। तो इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से आप सारे डिज़ाइन के तत्वों और सिद्धांतों को एक साथ देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह व्याख्यान उपयोगी लगा होगा। मिलते हैं अगले व्याख्यान में।